भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा था, जिसका समापन 2 अक्टूबर को हुआ। इस अंतिम दिन भाजपा सुपेला मंडल द्वारा लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल सुपेला में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाते हुए अस्पताल के सभी स्टाफ का स्वागत सम्मान किया गया एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों के पैकेट वितरित किए गए। भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के पदाधिकारियों द्वारा लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ हुए सेवा पखवाड़े का समापन भी किया गया। सर्वप्रथम भारत के दोनों महापुरुषों के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तत्पश्चात सेवा पखवाड़े के समापन पर भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल एवं उनकी टीम के द्वारा अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर सहित सभी स्टाफ का पुष्प देकर स्वागत सम्मान किया गया। इस पुनीत अवसर पर अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों से सुपेला मंडल के पदाधिकारियों ने मुलाकात की और उनका हालचाल जाना, साथ ही उन्हें फल एवं अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए। कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन एवं सुपेला मंडल के अध्यक्ष विजय जायसवाल ने मीडिया को जानकारी दी। बस अब देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है, इसी तात्पर्य में आज जो है अंतिम दिन है और आज के दिन आज विशेष करके उपलब्धि ये है कि जो है आज हमारे महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं उनका जन्मदिन है और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और आज का दिन इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में जो है आज जो हम इस दिवस को मना रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में हम शास्त्री जी के मूर्ति पे माल्यार्पण किए, साथ में हमारे स्वच्छता के तहत जो है यहाँ सेवा कार्य किए, साथ में हम जो है जो हमारे ये हॉस्पिटल के जो स्टाफ हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका सम्मान भी जो है हम लोगों ने किया और साथ में सुपेला मंडल के द्वारा यहाँ पर फल वितरण का भी कार्यक्रम यहाँ पर की गई है और इस तरह से आज जो है सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम यहाँ आज 2 तारीख को समाप्त हो रही है और मैं सभी को जो है गांधी जी की जयंती पर और लाल बहादुर जी की शास्त्री की जयंती पर मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से प्रारंभ हुआ है कार्यक्रम सेवा पखवाड़े का, पूरे देश में चल रहा है विगत 15 दिनों से। आज इस कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। विगत 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता पूर्ण रूप से जनहित के कार्यों में लगा हुआ है। कभी स्वच्छता का कार्यक्रम हो रहा है, कभी मरीजों का फल वितरण कार्यक्रम हो रहा है, कभी चिकित्सकों के सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी सुपेला मंडल के द्वारा आज लाल बहादुर शास्त्री शासकीय अस्पताल में यहाँ के समस्त चिकित्सा स्टाफ का हमने सम्मान किया। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है, साथ में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मदिन है। इस अवसर पर हम लोगों ने यहाँ भर्ती समस्त मरीजों को फल वितरण किया है एवं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। इस अवसर पर सुपेला मंडल के समस्त कार्यकर्तागण मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने आज लाल बहादुर शास्त्री जी एवं महात्मा गांधी जी को माल्यार्पण कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हम सभी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे मरीजों के चेहरे पर भी इस अवसर पर खुशी देखने को मिली कि विशेष दिन ही सही पर कोई आकर उनका हाल चाल तो पूछ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।